शिवपाल यादव को लेकर कांग्रेस में कौन सी खिचड़ी पक रही है? शिवपाल को पार्टी में शामिल करने पर कांग्रेस ने क्या कहा है? समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर पिछले काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस पर अब तक कांग्रेस और शिवपाल यादव खुलकर कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं। बावजूद इसके सियासी गलियारों में उनके कांग्रेस में जाने को लेकर सियासी बाजार काफी गर्म है। दरअसल बीएसपी के पूर्व नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद माना जा रहा था कि शिवपाल भी जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इस बारे में जब कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर से पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि अगर शिवपाल यादव कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन इस बारे में उनसे अब तक संपर्क नहीं किया गया है। उधर शिवपाल यादव ने भी कांग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल होने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि पूरा एसपी परिवार एक रहे, इसलिए कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाने जा रहे। उन्होंने कहा कि फिलहाल वे समाजवादी पार्टी में ही हैं, उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया है। हम नेताजी का सम्मान करते हैं, वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। इससे पहले राज बब्बर और शिवपाल यादव की मुलाकात की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सियासी गलियारे में इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं होने लगी थी। कहा तो यहां तक जा रहा था कि शिवपाल यादव ने कांग्रेस के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें यूपी प्रदेश कांग्रेस की कमान और फिरोजाबाद लोकसभा सीट से टिकट देने की मांग प्रमुख है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल की सभी शर्तों पर राज बब्बर ने अपनी हामी तक भर दी है। बस राहुल गांधी के साथ एक मुलाकात होनी बाकी है, जिसके बाद इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन राज बब्बर और शिवपाल के बयान के बाद इन अटकलों पर फिलहाल विराम लगता दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज़ बाइबल की रिपोर्ट।